बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही जो एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे, लॉयलिस्ट माने जाते थे, जो महाराष्ट्र कैबिनेट में सीएम उद्धव ठाकरे के बाद सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने बगावत कर दी। क्या इसके पीछे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं या फिर संजय राउत है जैसा कि दावा किया जा रहा है? देखिए एकनाथ शिंदे के बागी बनने की इनसाइड स्टोरी। जो कभी ठाकरे परिवार के थे सबसे करीबी, जिनकी कुर्सी हमेशा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पास लगती थी, जिनका कद महाराष्ट्र सरकार में सीएम उद्धव के बाद सबसे बड़ा माना जाता था, अब वही शख्स उद्धव ठाकरे के लिए क्यों बन गया है मुसीबत? नाम एकनाथ शिंदे, पद नगर विकास मंत्री, फिलहाल शिवसेना से बगावत, उद्धव सरकार गिराने की कोशिश की वजह से चर्चा में है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कोई तात्कालिक वजह नहीं है, उनके दिल में बगावत के बीच तब से पनप रहे थे जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी, यानी करीब 2.5 साल से एकनाथ शिंदे अपमान का घूंट पी रहे थे। खबरों की माने तो जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने की कवायद चल रही थी तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आगे बढ़ाया था। इसके लिए राज्यपाल को एक आधिकारिक पत्र भी दिया गया था, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत और सुभाष देसाई ने एकनाथ शिंदे के नाम का विरोध किया था। उस समय कहा गया कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के कान भरे गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन शिवसेना के विधायक दल का नेता बना दिया गया, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के लिए। सभी विधायकों का मुखिया होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को अहम फैसले लेने की प्रक्रिया से हमेशा दूर रखा गया। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक पार्टी का काम करते रहे, लेकिन जब राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों की जिम्मेदारी संजय राउत को सौंप दी गई तब एकनाथ शिंदे के सब्र का बांध टूट गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो ठाकरे परिवार के बाहर सबसे ताकतवर शिवसैनिक हैं। वो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मंत्री भी हैं। ठाणे क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है, पार्टी को मजबूत करने में उनका अहम योगदान माना जाता है। इसके बावजूद जानबूझकर दरकिनार किए जाने से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों में नाराजगी है। शिवसेना को शिंदे से अब भी आस है, लेकिन क्या शिवसेना उन समस्याओं का हल भी निकालेगी जिससे शिंदे नाराज हुए थे? सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के मुखिया हैं उसमें आदित्य ठाकरे का दखल काफी हद तक बढ़ गया था। आदित्य ठाकरे का कद बड़ा करने के लिए एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा था। साथ ही जब सरकार का गठन हो रहा था उस वक्त एनसीपी को कई अहम मंत्रालय दिए जाने से भी एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। एक तरफ शिंदे को मनाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। ऐसे में क्या शिंदे फिर से ठाकरे से हाथ मिलाएंगे या फिर अपने समर्थकों के साथ अलग पार्टी बनाएंगे? उनके अगले कदमों पर नजर रहेगी। मुंबई से वैदेही काणेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है अकोला जिले के बालापुर निर्वाचन क्षेत्र से। शिवसेना विधायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विधायक नितिन देशमुख के लापता होने के मामले में सिविल लाइन पुलिस की एक टीम को सूरत भेजा गया है। तो शिवसेना विधायक की गुमशुदगी का मामला पुलिस में दर्ज किया गया है और पुलिस की एक टीम, सिविल लाइन पुलिस की एक टीम को सूरत भेजा गया है, जहां पर
एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं और उन्हीं में से एक नितिन देशमुख जो विधायक हैं बालापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस वहां जा रही है सूरत में। तो जिस तरह से संजय राउत दावा कर रहे थे कि शिवसेना के विधायकों को किडनैप करके ले जाया गया है, तो अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हुई है और महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम अब सूरत जा रही है जहां वो इस मामले की तफ्तीश करेगी कि नितिन देशमुख जो कि विधायक हैं वो गुमशुदा कैसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है सियासी इस पूरे मैदान में। जिस तरह से एकनाथ शिंदे कथित तौर पर 35 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में हैं और बालापुर निर्वाचन सीट से निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के लापता होने की मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और सिविल लाइन पुलिस की एक टीम को सूरत भेजा गया है। अंकुर त्यागी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, अब पुलिस की एंट्री हो चुकी है, शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है पूरा मामला। देखिए, ये लगातार मामला जो है वो इस वक्त बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा, वो लेटर इस वक्त हमारे पास है जो उनकी पत्नी प्रांजलि नितिन देशमुख ने अपनी तरफ से लिखा है, ये पुलिस को लिखा है। यहां पर उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी और साफ तौर पर इसमें साफ तौर पर कहा है कि उनके जो पति है वो पिछले 2 दिनों से गायब हैं। यहां पर ये पूरा का पूरा मराठी में पूरा ये लेटर है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अकोला में जो शिवसेना के जो विधायक आते हैं नितिन देशमुख, वो उनकी पत्नी ने अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है और साफ तौर पर वो सूरत आने का प्लान चल रहा है, क्योंकि इसी होटल में बताया जा रहा है जो नितिन देशमुख है वो यहां पर स्टे कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। और उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अब जल्द ही इस होटल पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर सकती है। बिल्कुल, तो इस मामले में अब पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है और अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि शिवसेना में कब कब इससे पहले बगावत हुई है। शिवसेना जो कि पहले भी टूटती रही है, छगन भुजबल हो या फिर दूसरे नेता पार्टी छोड़ते रहे। 1991 में छगन भुजबल ने 8 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी, पहले कांग्रेस और फिर एनसीपी में शामिल हुए छगन भुजबल। उसके बाद नारायण राणे, जिन्होंने 2005 में 10 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी, अब नारायण राणे बीजेपी में हैं। राज ठाकरे, जिन्होंने 2006 में शिवसेना छोड़ दी और नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, शिवसेना के वोट बैंक में सेंध भी लगाई और 2009 में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, उसके पीछे बड़ी वजह राज ठाकरे को माना जाता है। तो शिवसेना के बागी नेताओं के लिस्ट में एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात की जाए, सबसे बड़ी सेंध अदिति लगाई है किसी ने, तो वो एकनाथ शिंदे हैं, जिनके साथ 35 विधायकों के होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, और इसी के बाद ये सवाल उठ रहा है, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए कि अब क्या शिवसेना टूट की कगार पर है, एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या बचते हैं? अगर वो नहीं मानते हैं और शिवसेना के खिलाफ बगावती तेवर उनके जारी रहते हैं, तो उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। पहला विकल्प तो यही है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती होगी दल बदल कानून की, जिसके मुताबिक नई पार्टी बनाने के लिए उन्हें शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये है, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां भी दल बदल कानून आड़े आएगा। और थर्ड ऑप्शन उनका है, वो दल बदल कानून का सामना करें, विधायक पद से इस्तीफा देकर नए सिरे से वो चुनाव लड़े। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त हैं। लेकिन अगर वो नए सिरे से चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सामने चुनौती है कि जनता के बीच जब वो जाएंगे, क्या जनता में किसी तरह की नाराजगी तो नहीं होगी, किसी तरह का बैकलैश तो नहीं होगा उनके खिलाफ, जनता के गुस्से का तो नहीं सामना करना पड़ेगा उन्हें? सियासत का माहौल है शिवसेना के, काफी लोग जो है वो नाराज है और वो सूरत चले गए हैं, जैसे देखा है एकनाथ शिंदे भी नाराज है, क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, देखिए, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी में अगर कोई नाराज है तो उसको समझाने की कोशिश होगी। अब एकनाथ शिंदे जी का क्या ग्रीवेंस था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उद्धव जी उसको सुलझा लेंगे, समझा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो उन्होंने उठाया है और जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं अंदरूनी शिवसेना की नाराजगी जो है वो उभर कर आई है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, सत्ता संघर्ष की बात है, ये हिंदुत्व का मुद्दा अब ये जस्टिफाई करने के लिए बाद में दिया जा रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। 2.5 साल में आपको हिंदुत्व याद नहीं आया, आज ही हिंदुत्व कैसे याद आया?
तो ये सत्ता संघर्ष की बातें, उनको भी नाराजी होगी, उसका सुलझा लेंगे, कुछ हल कर लेंगे। तो ये जैसे विधान परिषद चुनाव के दौरान जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो गई, कहीं ना कहीं ये बात की नाराजगी है आपको लगता है? देखिए, ये सब जो उनका 10-11 लोग उनके साथ है, शायद उन्होंने बीजेपी को वोट दिए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या उनकी हुई है। अब क्या वो लोग वोटिंग के सिचुएशन में भी भाजपा का साथ देंगे और अपनी सदस्यता खो बैठेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस का नुकसान तो इस बात से भी हुआ है कि हमारे भी कुछ विधायकों ने अपने आपस में भी क्रॉस वोटिंग शायद लगता है, क्योंकि हमारे जो 35 विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ होने का दावा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के लिहाज से, नंबर गेम के लिहाज से इनकी भी प्रॉब्लम है। अभी हमारे दिल्ली से लोग आए हैं, उनके सामने बात होगी, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और भाई जगताप जिनको हमने 15 का कोटा दिया तो उनको 20 मिले। लेकिन पृथ्वीराज जी, जैसे फिलहाल बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इनके साथ 35 विधायक है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा आंकड़ा है, क्या महाविकास आघाड़ी सरकार इस वजह से अड़चन में आ सकती है? देखिए, अगर उनके पास 37 विधायक है तो अपनी अगले अलग पार्टी बना सकते हैं और अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने नहीं है, इसलिए वो अगर बाहर जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। पर फिर अगर वो इतने बड़े संख्या में अगर बाहर आ रहे हैं तो क्या एक गट बनाकर वो बीजेपी में हो सकते हैं? 37 लोग चाहिए, 37 पीपल आर रिक्वायर्ड। एंटी डिफेक्शन कानून हमारा जो है उसके तहत 2/3 लोग अगर अलग जाते हैं तब अलग गुट बना सकते हैं, उससे कम होगा तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। जी, एक साथ आपने एकनाथ शिंदे, इनको आप काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आपको मतलब जरा सी भी हिंट लगी थी कि कहीं ना कहीं विधायक नाराज है और विधान परिषद के चुनाव के बाद ये सारा मामला हो गया है? देखिए, सिंपल बात है कि 2.5 साल से काम। शिवांगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी, अगर बात की जाए कांग्रेस और एनसीपी की, क्या वो पार्टियां निश्चिंत हैं कि इस पूरी बगावत में ये आग सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के घर में लगी हुई है, उनका घर सेफ है, सेंध नहीं लगेगी? देखिए, कहा जाता है कि अगर आग आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की गढ़ में लगी, तो ऐसा नहीं है। अगर शिवसेना की गढ़ में लगी है तो यह आग कहीं ना कहीं पूरे महाविकास आघाड़ी पर लगी है, और यही कारण है कि अभी वर्षा बंगले पर जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता आए थे या फिर एनसीपी के जो बड़े नेता आए थे, उनको एक एक जानकारी यहां पर खुद मुख्यमंत्री ने दी है। और इस मीटिंग के बाद बाला साहब थोरात ने यह कहा है कि जो भी बातचीत एकनाथ शिंदे के साथ उनकी हुई है वो बात उन्होंने बताई है। हालांकि बाला साहब थोरात ने कहीं ना कहीं सांत्वना दी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एनसीपी इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एक तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस वक्त शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर एक अहम बैठक चल रही है, कांग्रेस अपनी बैठक कर रही है और तमाम दल कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भी जैसे लगातार खबर आ रही है कि विधायक जो है कुछ नॉट रीचेबल है, तो बाकी की पार्टियां भी अब कोशिश कर रही है कि अपने विधायकों को संभाल कर रखे। और वहीं सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कि रश्मि ठाकरी ने जिस तरह से मनाने की कोशिश की एकनाथ शिंदे को, अगर आपको याद हो अजीत पवार जब बागी हुए थे तो इसी तरह से शरद पवार की पत्नी ने भी उस वक्त उनको मनाने की कोशिश की थी। महिलाओं की बड़ी मुख्य भूमिका रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन क्या मानेंगे एकनाथ शिंदे, ये देखना होगा अपने आप में। और अब जितने भी बैठक हो रहे हैं उसके बाद क्या निकल कर आएगा, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है। जी न्यूज हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को सियासी मौका तो दिया है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी किसी भी तरह की जल्दबाजी के मूड में दिखाई नहीं दे रही। अजीत पवार मामले में हाथ जला चुकी बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अमल कर रही है। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? देवेंद्र जी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है और इसलिए जनता के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन नहीं बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी का सियासी खेला। देवेंद्र फडणवीस का तीसरा दांव कामयाब। शिंदे की बगावत
बीजेपी बना पाएगी सरकार? एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना में मायूसी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अब ये जश्न शिवसेना में संकट का है या एमएलसी चुनाव में जीत का है या फिर महाराष्ट्र में सरकार बनने के भरोसे का, इस बात पर राज्य बीजेपी के नेता फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इस विषय पर कुछ कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा, थोड़ा समय जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हम उसको बहुत बारकाई से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है, लेकिन फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर भी इनकार कर रही है। चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि 18 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, उस दौरान ही इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी के केंद्रीय नेता वेट एंड वॉच के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और राज्य के दूसरे बीजेपी नेताओं से संपर्क में हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इतनी संख्या नहीं कि सरकार बनाने या गिराने की पहल हो। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने 133 विधायकों का समर्थन जुटाया था, यानी उस संख्या को भी आधार माने तो बीजेपी को बहुमत के लिए अभी भी एक दर्जन से ज्यादा विधायकों की जरूरत है। बीजेपी पहले ही एक बार अजित पवार के मामले में धोखा खा चुकी है, इसीलिए इस बार वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी अभी से राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये महा विकास आघाड़ी सरकार जाएगी और बीजेपी की सरकार आएगी। अभी तो जो जानकारी है कि 35 क्षेत्रीय एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ अभी है और देखते हैं अभी और कितने लोग आते हैं, लेकिन क्लियर मेजोरिटी 2/3 हो जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी का मनोबल हाई क्यों है, तो इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का चमत्कार माना जा रहा है जो उन्होंने राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव में दिखाया। बीजेपी के पास अपने सिर्फ 106 विधायक हैं, आरएसपी के 1, जेएसएस के 1 और 5 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर ये 113 होता है, जबकि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को 133 विधायकों के वोट मिले, यानी बीजेपी को सत्ता पक्ष के विधायकों के भी वोट मिले। और यही वजह है कि राज्य बीजेपी कह रही है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा है, लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं। एकनाथ शिंदे का साथ बीजेपी को मिल भी जाए तो भी पार्टी के लिए सरकार बनाना राज्य में आसान नहीं होगा। ऐसे में आखिर देखना होगा कि बीजेपी ऐसी कौन सी सियासी चाल चलती है कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार दोबारा बन जाए। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और देशरत्न निगम जी हमारे साथ हैं। देशरत्न निगम जी, लगातार शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में इस समय जो सरकार पर संकट है उसके पीछे बीजेपी है। संजय राउत कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश मॉडल जो है उसे महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य जी, आप मध्य प्रदेश लें और कोई जगह लें, वहां पर संकट जब आया था तो वहां पर जैसे कांग्रेस में लोग असंतुष्ट थे वो छोड़ के आना चाहते थे, तो बीजेपी के पास मौका था। और जहां प्रतिस्पर्धा की राजनीति होती है और सरकार लोकतंत्र में बढ़ती है तो कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी उसका फायदा उठाएगी। यही सिचुएशन आपकी महाराष्ट्र में भी डेवलप हो रही है, जहां की ओरिजिनल मैंडेट अगर आप देखें तो बीजेपी और शिवसेना को मिला था सरकार बनाने का, उसको नहीं माना गया और ऐसे लोगों के साथ शिवसेना ने सरकार बनाई जहां विरोधाभास था। और जब नई नई सरकार एमबीए की बनती है तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वोटर्स को भी, सपोर्टर को भी अच्छा लगता है कि चलिए शिवसेना आ गई। लेकिन 2.5 साल में जब उन्होंने ये देखा कि विचारधारा शिवसेना ने अपनी छोड़ दी और वो सरकार जो चलाई जा रही, उद्धव ठाकरे नहीं चला रहे, शरद पवार चला रहे, चाहे वो पालघर का आप देखें इंसिडेंट हो, चाहे हनुमान चालीसा का हो, चाहे अजान का हो, चाहे केतकी चितले जो थी उनके ऊपर केस हुआ, एक छात्र और था वो भी अभी जेल में है, जिस तरह से वहां का वातावरण बना तो कहीं ना कहीं से इन विधायकों को नीचे से एक आवाज आ रही है वोटर्स और सपोर्टर्स की कि ये गलत हो रहा है।
तो उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ पार्टनर बदलने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे। आप पार्टनर बदल लीजिए और हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसमें वापस आ जाइए, जो समावेशी है। ये शिंदे जी कह रहे हैं, इससे हाँ, आगे कुछ नहीं कह रहे। तो फिर कांग्रेस और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे सियासी खेला के पीछे दरअसल बीजेपी है, वही आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। फिर कई सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं, अश्विनी पांडे लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, शिवसेना उनका एकनाथ शिंदे का टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आई वो ये थी, जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसके 44 विधायकों में से 30 ही उस मीटिंग में पहुंचे। इसके अलावा बाला साहेब थोराट को लेकर भी तरह तरह के स्पेक्यूलेशन बीते दिनों में आते रहे हैं। इस समय शिवसेना की बात तो की जा रही है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस, इनके घर कितने मजबूत हैं, इनके अपने घर कितने मजबूत हैं? जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने बात तो मान भी ली है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि इनके घर में भी सेंध लगी है। कितनी लगी है ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। और जो मीटिंग चल रही है, अभी आपको बता दें कि तीनों जगहों पर मीटिंग चल रही है। उद्धव ठाकरे अपने विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग वर्षा बंगले पर कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के एचके पाटिल जो प्रभारी हैं वो अपने विधायकों के साथ और नेताओं के साथ बाला साहेब थोरात के बंगले पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं सिल्वर ओक पर शरद पवार अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कि तीनों जगह पर मंथन चल रही है, और इस मंथन के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी एक मुलाकात होगी। कब होगी, कितने बजे होगी, ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है उसकी वजह से पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी इस वक्त बेचैन है। सभी नेता परेशान है कि आखिरकार सरकार को कैसे बचाया जाए। और इस बीच 30 विधायकों के मीटिंग में आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक डर बना हुआ है। लेकिन हम जब कांग्रेसी नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना है कि जो 14 विधायक हैं वो कल की मीटिंग में आएंगे। कल जब AICC के ऑब्जर्वर के तौर पर कमलनाथ मुंबई आएंगे तो उनके सामने ये सभी विधायक मौजूद रहेंगे। अदिति, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वहां पर उन्होंने अपनी सरकार जो है बचा नहीं पाए थे। और आज जब बाला साहब थोराज से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि उनको इस तरह का पुराना अनुभव है, इसलिए उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर यहां पार्टी भेज रही है ताकि यहां पर स्थिति को कंट्रोल कर सके। जो शख्स वहां पर रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी खुद की नहीं बचा पाए, ऐसे में उन्हें यहां भेजा गया है ताकि जो उनका पुराना अनुभव है वो यहां पर वो इस्तेमाल करें और यहां पर सरकार की स्थिति डामाडोल ना हो उस पर नजर बना के रख सके। तो कल की जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी कांग्रेस के लिहाज से, शिवसेना के लिहाज से और एनसीपी के भी लिहाज से, क्योंकि शरद पवार की जो बैठक होगी उद्धव ठाकरे के साथ उस पर आगे की जो महाविकास आघाड़ी का भविष्य है वो तय होगा। जी, और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है मेरे सहयोगी, हर मीटिंग से जुड़ा हुआ अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए किन किन राज्यों में बीजेपी का सियासी खेला देखने को मिला। वर्ष 2020 घटनाक्रम आपके सामने है, किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। लगातार हम बात करें कि कैसे मध्य प्रदेश में मॉडल की बात की जा रही है, तो किस तरह कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार गिरी थी। मेघालय में वर्ष 2018 में 21 सीटें जीतकर भी कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई थी और बीजेपी में 2 विधायक में शामिल हुई, और 19 सीट जीतने वाली पार्टी एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा सीएम बन गए थे। मणिपुर में वर्ष 2017 में एन बीरेन सिंह ने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी में वो शामिल हुए, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और बीरेन सिंह सीएम बने। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में साल 2016 पेमा खांडू पीपीए के 32 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए और राज्य में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनकी बात लगातार जो बीजेपी के ओपोनेंट्स हैं वो सामने रख रहे हैं। मेरे कई सहयोगी अंकुर त्यागी सूरत में मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर आपके पास क्या अपडेट है अंकुर? देखिए, फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के बारे में पता चल रहा था कि उनको सूरत में, उनका प्रोग्राम एक्सपेक्टेड था, वो सूरत में आने वाले थे। फिलहाल अभी तो उनके वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। जाहिर तौर पर इससे पहले जो राव साहब दानवे हैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और खासतौर पर क्षेत्रीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा अपना एक योगदान भी है और उनकी बात सुनते भी हैं। तो शिवसेना के कई सारे विधायक हैं वो लगातार उनको बहुत सम्मान के तौर पर देखते भी हैं, और इसीलिए शाम तक ये बात पता चली थी कि राव साहब दानवे जो हैं उनको भी यहाँ पर फील्डिंग पे उतारा गया है, उनका भी सूरत में आना कन्फर्म हुआ।
हुआ था और उसके पीछे पीछे जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको भी यहां पर आना था, क्योंकि ये जो होटल है यहीं पर एकनाथ शिंदे और उनके जितने समर्थक बागी जो विधायक हैं वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। उनका दावा ऐसा है कि हमारा जो आंकड़ा है वो 32 विधायकों का है, तो यानी उनका कहना है कि हमारे पास 32 विधायक हैं, इसके अलावा 3-4 विधायक जो निर्दलीय हैं जो शिवसेना को सपोर्ट करते थे या एनडीए सरकार को सपोर्ट करते थे वो भी हमारे पक्ष में मौजूद हैं। अब इस जो आंकड़ा है इसको संभाल के रखना, इसको अपनी सीट्स में कन्वर्ट कराना या सरकार बनाने में इनका योगदान लेना, ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल रहेगा बीजेपी के लिए। इसीलिए पहले राव साहब दानवे को उतारा गया है और एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त में या आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो भी आपको सूरत में दिखाई दे जाए। और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अगर बीजेपी की मौजूदा रणनीति की बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी कुछ भी साफ तौर पर कह नहीं रही और उसकी जो स्ट्रैटेजी है रणनीति है वो वेट एंड वॉच की है। विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ है। विशाल पांडे, अगर आपके पास कोई अपडेट हो और किसी की निगाह है सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मीटिंग पर टिकी हुई है। आदित्य बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी मुंबई में अलग अलग जगहों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक चल रही है। शरद पवार अपने घर पर एनसीपी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने घर पर शिवसेना के विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कांग्रेस की भी बैठक जारी है। इस वक्त तीनों पार्टियां कम से कम इस कोशिश में लगी हैं कि उनके और ज्यादा विधायक ना टूटे और ज्यादा विधायक बागी ना हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है या सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उनके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस सरकार पर संकट जरूर आ सकता है और उसी से बचने के लिए ये फिलहाल मुलाकातों का दौर जारी है। लेकिन यहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात कब होगी इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी भी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर और आने वाले दिनों में यहां पर कैसे कदम आगे बढ़ाना है उसकी रणनीति जरूर तैयार कर चुकी है। देवेंद्र फडणवीस क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में वो चेहरे हैं जो कि का अभी एक तरह से करिश्मा राज्यसभा के इलेक्शन में और एमएलसी के इलेक्शन में सभी ने देखा, तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस आगे चलकर महाराष्ट्र की सियासत में क्या करते हैं इस पर भी लोगों की नजर रहेगी कि बीजेपी यहां पर शायद ही मध्य प्रदेश या कर्नाटक या अन्य राज्यों का फॉर्मूला अपनाए, क्योंकि अगर यहां पर उन फॉर्मूले को बीजेपी अपनाती है तो जो संख्या बल होगा बहुमत साबित करने का वो कम होगा, वो शिवसेना और एनसीपी के फेवर में ज्यादा जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा रास्ता यहां पर बीजेपी अपना सकती है अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस पर अभी देखना होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में करना क्या चाह रही है। अदिति बिल्कुल, और बीजेपी का मूड फिलहाल ये है कि वो किसी जल्दबाजी के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और वो फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। मेरे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है, अपडेट्स भी आगे जा रही हैं। हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं जाइएगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।